जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है योर फार्मासिस्ट। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमलेश, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो हम जानेंगे क्वेटाइपिन मेडिसिन के बारे में, उसके ब्रांड्स के बारे में, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं हम लोग क्वेटाइपिन के बारे में कंप्लीट डिटेल। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ब्रांड्स के बारे में। आपको मार्केट में मिल जाएगा क्यू माइंड के नाम से, क्यू पिन 200 के नाम से, सेराक्वेल के नाम से, क्वेटाइपिन 25 के एमजी। चलो दोस्तों, जो यह ड्रग है दोस्तों, यह सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है दोस्तों, जो कि एफडीए द्वारा अप्रूव हो गया है एस्ट्राजेनिका फार्मास्यूटिकल कंपनी को। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं सिजोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर, इंसोम्निया में, डिप्रेशन, एंजाइटी में, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डोजेज ससेप्टिबिलिटी की, कि अब हम अगर इस मेडिसिन को हम 25 से 50 एमजी के बीच में लेते हैं दोस्तों, तो यह मेनली ट्रीट करता है एंजाइटी और इंसोमनिया को दोस्तों। अगर यही डोज हम 100 एमजी के आसपास लेते हैं, तो यह मेनली हमारे जो मूड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, तो उसको मेनली यह ट्रीट करता है। अगर यही ड्रग हम 300 प्लस के एमजी में लेते हैं, तो यह स्ट्रॉन्ग एंटी साइकोटिक ड्रग होता है दोस्तों। यह हमारे जो मूड को स्टेबल करता है, और जो हमारे जो डिसऑर्डर थिंकिंग होती है उसको भी कम करता है, और जो हमारे मस्तिष्क में हेलोसिनेशन पावर होती है उससे भी कम करता है, और मूड इश्यूज को भी रिड्यूस करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो आपको मिल सकता है सेडेशन, ड्राउजीनेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, ड्राई माउथ आप महसूस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। अगर आपको ओबेसिटी है तो, यानी आपको ज़्यादा मोटापा है, तो आप इस ड्रग को ना लें दोस्तों, या फिर कोई आपको हिस्ट्री में डायबिटीज़ हुआ हो तब पर भी ना ले, या फिर कोई आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, या फिर कोई आपके ब्लड में लिपिड की मात्रा इंक्रीज है, जिसे बोलते हैं हमें हाइपरलिपिडीमिया, इस कंडीशन में आप इस ड्रग को ना ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।